नमस्कार, देवभूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। ब्रिटेन की शुरुआत करते बड़ी खबर से, पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर किया था वीडियो, जिसके बाद उन पर कार्रवाई के ये निर्देश पारित किए गए हैं। तो चुनाव आयोग के आदेश पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किया था वीडियो, जिसके बाद से ये पूरा मामला उजागर हुआ और कथित तौर पर यहाँ पर मत पत्र से छेड़छाड़ दिखाई दिया है। और ऐसे में कथित तौर पर जिस तरीके से ये छेड़छाड़ दिखाई गई है मत पत्र के साथ, उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव आयोग के आदेश पर ये एफआईआर दर्ज किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर उल्लंघन किया गया है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम यहाँ पर प्रोटोकॉल दिए थे, लेकिन उस प्रोटोकॉल का यहाँ पर हरीश रावत ने ख्याल नहीं रखा, जिसके बाद उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है। अब आगे की भी कार्रवाई होगी। चलिए, तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम यहाँ पर गाइडलाइन जारी की थी, तमाम प्रोटोकॉल से चुनाव आयोग के अपने, लेकिन यहाँ पर हरीश रावत ने उस प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा, अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया गया था कि जो डाक मतपत्र होते हैं उसमें कुछ छेड़छाड़ की बात सामने आई थी। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो यह मामला पिथौरागढ़ का बताया जा रहा है, पिथौरागढ़ की रीढ़ी हाट का मामला है। जिस दौरान यहाँ वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें दिखाया गया कि जो डाक मतपत्र गए थे उसमें से सैन्य अधिकारी कुछ जो यहाँ के कर्मचारी थे, वह एक ही व्यक्ति सभी के डाक मतपत्रों पर जो है मुहर लगा रहा था, यानी कि वो मतदान दे रहा था, जिसका वीडियो हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर भी वायरल किया था और उन्होंने इसे निर्वाचन आयोग से मुलाकात भी की थी और निर्वाचन आयोग से बहुत कार्रवाई की मांग भी की थी। जिसके बाद राज्य निर्वाचन जो की मुख्य निर्वाचन कार्यालय है उत्तराखंड में मौजूद है, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। मामले का संज्ञान लेने के बाद उसने मुकदमा दर्ज कराने की बात कही और उसने फिलहाल जो जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के हैं उनको निर्देश बहुत दे दिए गए हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया जाए, इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, जिसको लेकर के भी मामला दर्ज हो गया है और सैन्य अधिकारियों से बहुत पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर यह क्या माजरा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी सत्यता क्या है। पहले इसकी सत्यता को जानने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया, उसमें जांच की जा रही है। कुल मिलाकर देखें, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मामला सामने निकल कर आया वह सीधे तौर पर इस इशारा कर रहा है कि धांधली बरती जा रही है, यानी कि लापरवाही बरती जा रही है, कि चुनाव है और चुनाव में जितने भी पोस्टल बैलेट जाते हैं उसके साथ लापरवाही बरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये मामला सामने आया, ऐसे में पिछले जो चुनाव यानी उत्तराखंड राज्य में 4 बार के विधानसभा के चुनाव हुए, तो ऐसे में चर्चाएं यहाँ भी है कि हर बार जो है ऐसी धांधली बरती जाती होगी, लेकिन इस बार वीडियो वायरल हो गया है जिस पर अब कार्रवाई की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखे तो मुख्य निर्वाचन कार्यालय इसमें पूरी तरह सक्रिय हो गया है और पूरी तरीके से जांच कराने की बात कर रही है, इसके लिए मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया, लेकिन अब क्या कुछ जानकारी आगे निकल सामने तो देखने वाली बात होगी। जी जी रोहित, इसमें जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, क्या पार्टी की तरफ से अभी इस पूरे मसले को लेकर कोई भी बयान सामने आया? बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार बयानबाजी का दौर जारी कि करीब इस जो वीडियो वायरल हो रहा था, पिछले कुछ दिनों से वीडियो वायरल हो रहा था, लेकिन परसों खुद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जो हैं उन्होंने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डालकर के कार्रवाई की मांग की थी, जिनके संज्ञान में लेते हुए मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने इस पर मुकदमा दर्ज कराया। तो कुल मिलाकर कहे कहीं ना कि राजनीति रोटियां सेकी जा रही है, जहां एक ओर हरीश रावत लगातार राज्य सरकार पर धांधली करने का आरोप लगा रहे, सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे, तो वहीं जो सत्ताधारी पार्टी भाजपा हवा भी लगातार इस बाबत आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है बस सैनिकों का सम्मान नहीं करती है, उनका अपमान करना चाहती है और उत्तराखंड राज्य सेना बहुल्य क्षेत्र है, बावजूद इसके बाद सैनिकों का अपमान कर रही है। तो कुल मिलाकर जो वीडियो है, वीडियो की फिलहाल सत्यता जांच जानी चाहिए, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट। ठीक रोहित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।